नमस्ते दोस्तों, मैं आपको हाथी और कछुआ की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। चलिए पढ़ते। एक गांव था, गर्मी का मौसम था। गांव के पश्चिम में एक तालाब था। गांव में रमेश के घर एक पालतू हाथी था। हाथी ने अपने मालिक से कहा, हम तालाब में नहाने जा रहे हैं। हाथी धमक धमक करते हुए तालाब पर पहुंच गया। जैसे ही हाथी ने तालाब में डुबकी लगाई, उसको गुदगुदी गुदगुदी लगने लगी। वह सोचने लगा, यह कौन कर रहा है। तब उसने देखा उसकी पीठ पर एक कछुआ चल रहा था। हाथी ने अपनी सूंड में कछुए को उठाकर कहा, मैं तुम्हें पानी के बाहर फेंक दूंगा। कछुए ने हाथी से हाथ जोड़कर विनती की, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मुझे पानी के बाहर मत फेंको। ही जब कछुए को सूंड से उठाकर फेंकने जा रहा था कि तभी तालाब के पास लगे पेड़ की डाल से कछुआ टकरा गया। पेड़ पर मधुमक्खियां बैठी थी। वे उड़कर हाथी की सूंड में घुसने लगी। हाथी घबरा गया और उसकी सूंड से कछुआ छूट गया। हाथी तालाब से निकल कर गांव की ओर भागा। कछुआ खुशी खुशी तालाब में रहने लगा। धन्यवाद।